जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कोशिकांग में जितने भी संरचना होता है कोशिका के या कोशिकांग होते हैं उन्हें संरचना कहते हैं, उनके बारे में गोल्डीज बॉडीज के बारे में। अब जरा देखिए तो गोल्डी बॉडीज होता क्या है। तो देखिए कोशिका के अंदर पाया जाता है गोल्डीज बॉडीज, कोशिका के अंदर पाए जाने वाली ये रचना होती है, याद रहे हम लोग को। और जब कोशिका हम पढ़ा रहे थे तो कोशिकांग के संरचना जब बताए थे तो यही कोशिका होता है। अब जरा देख लेते गोल्जी काय की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने किए थे। गोल्जी काय की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने 1800 कहीं पर ईस्वी इसका लिखा 1898 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। और 1898 ईस्वी में ये जो है ना बिल्ली और उल्लू की कोशिका अस्नायु कोशिका अस्नायु अस्नान आयु ऐसे ये अस्ना अस्नायु स्नायु को वैसा अंग जो संवेदी कोशिका जो एक हड्डी को भी जोड़ते हैं उसे भी ये कोशिका कहते हैं। इसका उच्चारण अस्नायु कहते हैं, अस्नायु कोशिका इसको कहते हैं। इस कोशिका में सबसे पहले ये देखे थे बिल्ली और उल्लू के कोशिका में माने संवेदी कोशिका यूरोन सेल जिसको समझ लें यूरोन सेल उस सेल में उन्होंने देखे थे। कोशिका में 1898 ईस्वी में देखा गोल्जी का एक डैक्टियोजोम पदार्थ, डैक्टियोजोम पदार्थ या गोल्डी उपकरण या गोल्डी कॉम्प्लेक्स या गोल्डी बॉडीज यहाँ जो लिखे हैं ये भी कहते हैं। अब इसके देखिए गोल्डी का निर्माण जो है ईआर के द्वारा होता है। ईआर का मतलब होता है ईआर के द्वारा, ईआर का अर्थ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक अंतःपरद्रव्य जालिका जिसको हम लोग कहते हैं। गॉल्जी उपकरण एनिमल सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन को बनाता है माने कोशिका झिल्ली को बनाते हैं, और प्लांट सेल में माने पादप समझ लीजिए ऐसे इसका अर्थ हुआ ये कि पादप कोशिका सेल प्लेटलेट सेल प्लेट सेल प्लेट बनाते हैं, प्लेटलेट नहीं सेल प्लेट बनाते हैं या कोशिका पुटिका जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये जरा देख लेते हैं इनके संरचना ये बनाता है। देखिए पादप सेल में प्लांट सेल में इसका अलग काम है, सेल पादप सेल में सेल प्लेट एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। या पूछेगा कि गोल्जी उपकरण पादप कोशिका में क्या बनाते हैं तो सेल प्लेट कोशिका प्लेट, और जंतु कोशिका में क्या होता है यानी एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को बनाते हैं। अब इसकी संरचना देखते हैं तो जरा देखिए ये उठे हुए जो भाग होता है ना इसको एस्टर्नी कहते हैं, इसको एस्टर्नी ठीक है ना, एस्टर्न सीटेन एस्टर्नी है इसको, या इसका उच्चारण इंग्लिश में समझिए हिंदी में नहीं, सी एस्टर्नी सी एस्टर्न सी एस्टर्नी इसको हिंदी में कहते हैं और सी सी एस्टर्न इंग्लिश में भी। ये लंबे होता है माने उठा हुआ फूला हुआ भाग को, फूला हुआ भाग को इसमें, और इसके आगे जो गोल गोल लगा रहता है ये थैली होता है। इसको उच्चारण ठीक से सिस्टनी इसको कहेंगे, सिस्टनी सिस्टनी हो गया, और ये हो गया सिस्टनी क्या होता है फूला हुआ भाग होता है और सबसे साइड वाला ये फूला हुआ भाग सामने बीच में पचका हुआ भाग नहीं फूला हुआ भाग को सिस्टनी सिस्टनी कहते हैं इसको सिस्टनी। और बड़े और गोल कोष होते हैं जिसको लाल लार्ज, बड़े और गोल कोष होते हैं उसको कहते हैं लाल वैकल्स कहते हैं। छोटे पुटिकाएं होती है जिसे स्मॉल ट्यूबल्स कहते हैं, पुटिका का मतलब ट्यूबल्स, पुटिका का मतलब ऐसा जैसे ट्यूब जैसा होता है लेकिन छोटी होती है लंबी होनी चाहिए और छोटी होती है। और गोल्जी काय के अंदर जो है ना जो भरा होता है पदार्थ उसको हम लोग यही
सिस्टर्नी कहते हैं, यहाँ पर न की मात्रा आर तो र की मात्रा चलता है, सिस्टर्नी, ये हो गया सिस्टर्नी। बड़े ये होता है फुला हुआ भाग, बड़े गोल कोश छोटी पुटी का, ये होते हैं इनके। अब इसके कार्य के बारे में देखते हैं, कार्य इनका काम क्या है, गोल्जी उपकरण के कार्य कौन से थे। ध्यान से कौन कौन ऐसा चीज है इसी में जो समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोनो बड़ी बात नहीं। गोल्जी उपकरण पढ़ना क्या करिएगा, तो पढ़ना पड़ता है मजबूरी, तो एक बार में समझा दिए थे कोशिका में सारे के सारे, लेकिन इसका कार्य को समझना है, फिर इसके पाठ को समझना है। अब जरा हम इसके कार्य को देख लेते हैं कि इसका ये कार्य कार्य क्या करता है। कार्य कार्य है ई आर में, ई आर में प्रोटीन, प्रोटीन और एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का संश्लेषण, ये हो गया एक कार्य, ठीक है ना। क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये क्या करते हैं, एमिनो ई आर में प्रोटीन का संश्लेषण एमिनो अम्ल द्वारा करते हैं, एमिनो अम्ल द्वारा लिखते हैं, ई आर में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, सीधे लिख देते प्रोटीन संश्लेषण तो चलने वाला है ई आर में, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन एमिनो अम्ल द्वारा, प्रोटीन का संश्लेषण एमिनो अम्ल द्वारा करता है। इसका उच्चारण सिस्टर्नी से समझ लीजिए, बार बार बोलना पता नहीं, उच्चारण नहीं होता रहता है, कोनो कोनो चीज का करता गड़बड़ाता रहता है। अब देखिए इसका क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरण, जहाँ ये पदार्थ छोटे गोल्जी स्रावित पदार्थ, देखिए ये क्या होता है, पदार्थों को स्थानांतरित करते हैं, पदार्थों का परिवहन, परिवहन छोटे छोटे बेसिल्स में, छोटे छोटे बेसिल्स, छोटे छोटे बेसिल्स बेसिकल्स होता है इसका, कल्स छोटे छोटे बेसिकल्स में प्रवेश, छोटे छोटे बेसिकल्स में प्रवेश कराना, प्रवेश ठीक है, पदार्थों का परिवहन छोटे छोटे बेसिकल्स में प्रवेश कराना, प्रवेश कराना, ये होता है, मतलब समझे स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करते हैं ये स्रावित पदार्थ को, जो पदार्थ इसमें ये घींच लेते उस पदार्थ को जहां नहीं रहते वहां पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद ये प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण करता है, यह प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण करता है, यह प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण कर लिया, प्राथमिक लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है सेल में, ये समझ लिया। अब देखिए शुक्राणु और एक्रोसोम का निर्माण करता है, शुक्राणु एवं एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण करता है, करता है। ये इसका कार्य, शुक्राणु और एक्रोसोम का भी निर्माण करता है, गोल्जी उपकरण का ये कार्य। सबसे पहले खोजे कौन, तो 1898 ईस्वी में इसका नाम था केमिलो गोल्जी, और केमिलो गोल्जी के नाम पर इसका नाम रखा है गोल्डी बॉडी, माने कि केमिलो गोल्जी ने खोज किया, और इन्होंने देखी हर चीज खोज किया है, जो भी देखे साइंस हर चीज किसी ना किसी वैज्ञानिक के सम्मान के लिए और उन्हें ना भूले उसके याद के लिए उसके नाम पर नाम रखा गया। बल का मात्रक देखिए न्यूटन, न्यूटन ने खोज किया तो उसके सम्मान के लिए न्यूटन का
जूल का कार्य का मात्रक जूल रखा गया, तो उसके सम्मान के लिए रखा गया, ऐसे नहीं रखा ताकि हम भूले। और साइंटिस्ट लोग एक बार जो कार्य करते हुए, एक अपने के लिए नहीं करते हैं और एक अपने देश के लिए भी नहीं करते हैं, एक काल के लिए भी नहीं करते हैं, सारे धरती लोक के लिए करते हैं, पूरा यूनिवर्स के लिए, इस धरती लोक के लिए करते हैं और सभी कालों के लिए करते हैं। यानी कि मानव जीवन, मानव सभी मानव के लिए करते हैं। इस धरती पर जितने देश है, 205 ऐसे या 200 तो देश है, सबके लिए कर किए हैं और करके वो लोग चले गए हैं, और सभी काल के लिए, ऐसा नहीं। और ज्ञान ही ऐसा है जो कभी बूढ़ बूढ़ नहीं होता और पुरान भी नहीं होता है, बूढ़ा भी नहीं होता और पुरान भी नहीं। सपोर्टर के लिए भगत सिंह को देख लीजिए, भगत सिंह को सब पढ़ेगा। तो कार्य ऐसा करना है कि आपको पढ़े लो, याद करें, इन्हें ऐसा कार्य करना है कि मरण के साथ भूल भी जाए। तो अगले चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो पादप सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसको वर्णक भी कहते हैं, प्लास्टेट भी कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये सब होता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, क्लोरोप्लास्ट ये अन्य प्लास्टिड को जिसको पढ़ेंगे उसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के। तो वर्णक को पढ़ेंगे हम लोग, प्लास्टिड वर्णक, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट नीले लाल पीले होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो है ना सफेद या रंगहीन होता है। तो इसलिए पढ़ेंगे कि पादप का पत्ता हरा क्यों होता है, फल पक क्यों जाता है तो पीला क्यों हो जाता है, कोई फल पकने पर लाल क्यों, टमाटर हरा रहता है शुरू में, बाद में लाल क्यों हो जाता है, इसके बारे में समझ आएगी जब वर्णक को, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ लेंगे।